आज सुबह से ही मैं बहुत परेशान थी। परेशानी की वजह जानना चाहेंगे आप? परेशानी की वजह थी ये मेरा चश्मा। सुबह से मुझे मिल ही नहीं रहा था, और थोड़ी देर बाद जब मैं आईने के सामने आकर खड़ी हुई तो देखा, अरे ये तो हमेशा की तरह से मेरे सिर पर लगा है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हमारी ये जो दो छोटी छोटी आँखें, किसी किसी की बड़ी बड़ी भी होती हैं, इनसे हम पूरा का पूरा आसमान एक साथ देख सकते हैं, पर कभी कभी ये आंखें हमारी सामने पड़ी हुई चीज़ों को भी देखने नहीं देती। ऐसा क्यों होता है भला? गौर फरमाइएगा। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो हम सब ने सुना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विनोद चरित्र है। इनकी वाक्पटुता और चतुराई के चर्चे तो काफ़ी मशहूर हैं। आपने भी पढ़ी होगी इनकी कहानी। मुल्ला ऐसा कहा जाता है कि पेशे से चोर थे, और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी। प्रतिज्ञा कुछ इस तरह थी। मुल्ला ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। पेशे से चोर और झूठ नहीं बोलेंगे? अमां मियां, ये बात जमी नहीं। एक दिन मुल्ला अपने गधों पर बहुत सारा सामान लादकर कहीं जा रहे थे कि तभी दरोगा बाबू ने उन्हें चेक पोस्ट पर रोक लिया। कौन हो तुम और क्या है इन गठरियों में? मुल्ला बोले, मैं चोर हूँ और चोरी करता हूँ। दरोगा बाबू को बड़ा गुस्सा आया। दरोगा ने मुल्ला की सारी गठरियाँ खुलवा दी और खोजबीन शुरू कर दी, पर दरोगा बाबू को ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि वे मुल्ला को चोर साबित कर सके। और थोड़ी देर बाद गुस्से में आकर उन्होंने मुल्ला को छोड़ दिया। अब तो ये सिलसिला हमेशा का था। जब भी मुल्ला उस चेकपोस्ट से गुजरते, दरोगा बाबू उन्हें पकड़ लेते और उनकी गठरियां खुलवाते और फिर से खोजने की कोशिश करते, पर अफसोस, उन्हें कभी भी मुल्ला की गठरी से ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि वे मुल्ला को पकड़कर थाने में कैद कर दें। कुछ सालों बाद दरोगा रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद एक दिन दरोगा बाबू सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रहे थे, और तभी उन्हें मुल्ला दिखाई दिया। अरे मुल्ला, तुम यहाँ? अम्मा मियाँ, चलो बैठते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, बड़े दिनों से कोई बात ही नहीं हुई। मुल्ला ने दरोगा को देखकर मुस्कुराया और चाय पीने के लिए हामी भर दी। दोनों मंसूर भाई की चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। अम्मा मियाँ, एक बात बताओ, बस मुझे यही जानना था कि तुम चुराते क्या थे? ऐसा क्या चुराते थे जो मैं आज तक खोज नहीं पाया? तुम जानते हो मुल्ला, मैंने अपने जीवन में बड़े से बड़े चोरों को पकड़ लिया है और बड़े से बड़ा केस सुलझा दिया, पर तुम्हें मैं समझ नहीं पाया। मुल्ला, आखिर तुम चुराते क्या थे? अरे अब तो बता दो, अब तो ना मैं दरोगा हूँ और ना ही तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, बताओ ना। मुल्ला ने दरोगा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोले, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। सब कुछ आपके सामने है, पर आप देख क्या रहे हैं और आपका ध्यान किस तरफ है? ये छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए ना, हम सब तो सिर्फ चाय को उबलता देख लेते हैं, पर कुछ लोग इस उबलती हुई चाय से निकली भाप से स्टीम इंजन बना लेते हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, बस देखिए मत, थोड़ा गौर भी फरमाइए, नजरों को इधर उधर घुमाइए, थोड़ा इर्द गिर्द घुमाइए,
कोई इंसान साधारण से चश्मों के पीछे से आजाद भारत को देख लेता है, क्योंकि वह जानता है कि दूर का देखने के लिए चश्मे की नहीं नजर की जरूरत है। तो आगे से ये याद रखिएगा कि आपका ध्यान किधर है।